नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कांग्रेस पार्टी ने काले बक्से के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। एक वीडियो जारी किया गया है और यह पूछा गया है कि प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर से उतारे गए बक्से में क्या था। चुनाव आयोग से इस पूरे मामले की जांच की मांग भी की गई है। बीजेपी ने वहीं वीडियो पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने बौखलाहट में यह वीडियो जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इसी वीडियो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस का दावा है कि वीडियो में दिख रहे इस बक्से को पीएम के हेलीकॉप्टर से उतारकर एक वैन में रखा गया। कांग्रेस का दावा है कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग में प्रधानमंत्री मोदी के उतरने के फौरन बाद एक काले रंग का बक्सा हेलीकॉप्टर से उतारा गया। कांग्रेस का सवाल है कि बॉक्स सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा क्यों नहीं था, इनोवा पीएम के काफिले का हिस्सा क्यों नहीं थी, किसकी कार थी, बॉक्स में क्या था इसकी जांच हो। चित्रदुर्ग में प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर से एक काला बड़ा बक्सा उतारा गया और उसको एक प्राइवेट व्हीकल जो कारकेड का में शामिल नहीं थी उसके अंदर रखवाया गया और वो एकदम से वहाँ से चली गई। ये जानकारी हमारे पास आई है कल। हमारी मांग है इसकी तुरंत जांच हो। कांग्रेस का आरोप लगाते ही बीजेपी का जवाब तैयार था। बीजेपी ने साफ किया, राजनीति में स्वच्छता की बात करने के लिए आपकी आपको एलिजिबिलिटी नहीं है। पूरी आपकी पृष्ठभूमि राहुल गांधी, आपकी परिवार की बैकग्राउंड पूरी तरह कलंकित है। संदिग्ध बक्से में क्या था इसे लेकर कयासबाजी भी जारी है और सियासत भी। कांग्रेस जवाब मांग रही है और बीजेपी भी सवाल कर रही है। प्रधानमंत्री की चित्रदुर्ग में रैली थी। कांग्रेस का आरोप है कि इसी दिन प्रधानमंत्री की रैली के लिए रवानगी होते ही काला बक्सा उतारा गया। पार्टी ने चुनाव आयोग से इसकी जांच की मांग की है। कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो। ये मुकाबला है, इसे जीतने के लिए किसान भी चाहिए, मथुरावासी भी चाहिए, हर कुछ जो जुड़ सकता है उसको जोड़ने आया हूं। किसानों से बहुत लगाव है धर्म जी को, बहुत काम होने के बावजूद वो मेरे लिए आए हैं मथुरा क्षेत्र में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मथुरा की जंग में अपनी बसंती को जिताने के लिए वीरू भी मैदान में कूद पड़े हैं। धर्मेंद्र आज हेमा के मंच पर आए और जनता से उनके लिए अपने ही अंदाज में वोट मांगे। अपने जमाने के सुपरस्टार धर्मेंद्र ने डायलॉग सुनाकर लोगों का दिल भी जीतने की कोशिश की। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और वहां पर मोदी मोदी के नारे भी लग रहे हैं, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं। मथुरा से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रही हैं हेमा मालिनी। लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार वहां जोरों पर है हेमा मालिनी का और आज धर्मेंद्र भी पहुंचे उनके लिए वोट मांगने। मट्टी का बेटा हूँ, मरते मरते भी कुछ करता हूँ। उखड़ती भूरी सांसों से सुधाकर चंद शांति में चीर के सीना धरती का फसल नहीं बोलूंगा और खेतों में फिर हरियाली की चादर जब बिछ जाएगी उगाएगी जवानी मेरी सांसों में सांसे भी आ जाएंगी और फिर होके लथपथ मट्टी में मैं खेतों खेतों भागूंगा नाचूंगा गाऊंगा और फिर पकते पकते फसल सुनहरी जब हो जाएगी लेके दाती हाथों में गाता गीत बैसाखी के मैं सोने के ढेर लगा दूंगा। मैं सोने के ढेर लगाऊंगा, चाहिए आपने ये मौका मत खोना मेरे दोस्तों, किसी के बहकावे में मत आ जाना। मैं दिल की बात कर क्यों मैंने अपनी बातें की, चौथी जमात से मैं क्यों ऐसे हुआ, आज मैं वैसे हूँ इसलिए सब मुझे प्यार करते हैं। मुझे मालूम है दुनिया मुझे प्यार जी भर कर प्यार करते हैं। इस प्यार को पाना बहुत मुश्किल है, ये मेरे किरदार ने धर्मेंद्र सिंह ने ये प्यार मुझे दिलवाया है, उस जाट ने ये सम्मान मुझे किसान ने ये सम्मान दिलवाया है और मैं उसका हमेशा आभारी हूँ। ये जोड़ी एक साथ जब भी मंच पर होती है लोगों का उत्साह दुगना हो जाता है, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे थे। एक तरफ मोदी मोदी के नारे, दूसरी तरफ इन दोनों के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ी हुई थी। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने हेमा मालिनी और धर्मेंद्र से उनके चुनाव प्रचार को लेकर, वो कैसे जीतेंगी और तमाम मुद्दे कौन कौन से रहने वाले हैं जो इस बार के चुनाव में छाए रहने वाले हैं, इन तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत की है।
जी मैं धर्मेंद्र हेमा मालिनी के लिए मथुरा में वोट मांगने हैं। इस वक्त खुद हेमा मालिनी और धर्म जी हमारे साथ मौजूद हैं। हेमा जी, धर्म जी आए हैं वोट मांगने के लिए और खुद किसान रहे हैं धर्म जी। यस, वो ये पूरा क्षेत्र जो है किसानों का है और किसानों से बहुत लगाव है धर्म जी को। बहुत काम होने के बावजूद वो मेरे लिए आए हैं मथुरा क्षेत्र में। एंड यू कैन धर्म जी, आपने खेतों में काम किया, ट्यूबवेल मैकेनिकल कोर्स किया था, मुझको जहां तक याद है, मैं सानेवाल भी गया था उस वक्त आपके, तो आपने यहां करके किसानों की बात की। क्या है, इस वक्त हर किसी के सहयोग की जरूरत है, ये मुकाबला है, इसे जीतने के लिए किसान भी चाहिए, मथुरा वासी भी चाहिए, हर कोई जो जुड़ सकता है उसको जोड़ने आया हूँ। मैं मोहब्बत का बंदा हूँ, मोहब्बत से जोड़ने आया हूँ। कई लोगों को सवाल पूछने नहीं आते तो मैं कभी कभी सटपटा जाता हूँ कि मुझे समझ लो यार, मैं तो प्यार का बंदा हूँ, प्यार से ही आज तक इतने साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, प्यार के बल पर जूत रहा हूँ। हमारे प्रोग्राम में आया था, तुमने भी सवाल किया था ना, तो अभी तक चल रहा हूँ बेटे, खुश रहो, बहुत प्यार, मैं मिलता हूँ। धर्म जी, शोले में आपने बसंती को पाने के लिए टंकी पे चढ़े थे, आप आज बसंती को जिताने के लिए आप मथुरा के राजनीतिक मंच पर हैं और किस ढंग से देखते हैं? मैंने जिस ढंग से मेरी स्पीच की है आप समझ गए होंगे, शायद आपने रिकॉर्ड भी की हो, उससे सबको पता चल जाएगा मैं किस तरह से मांग रहा हूँ। उसमें सच्चाई है, हकीकत है, उसमें मांगने भी वो मांग नहीं है, वो हक है मेरा, मैं मांग नहीं रहा, मेरा हक चाहिए मुझे जो हमने अच्छा किया। धर्म जी ने भी राजनीति में होकर बीकानेर से बहुत इतना बढ़िया काम किया और इतने हाई वोट से वो जीत कर आए, कभी श्रेया नहीं मिला, तो उन्होंने बहुत काम किया उस क्षेत्र में, तो ये ऐसा नहीं कि उनको राजनीति से भी लगाव है देश के लिए। ना मिले, हमें इतनी खुशी है कि भारत माँ के एक अंग की हम सेवा कर रहे हैं, उसमें प्रसन्नता है बहुत। हेमा जी द्वारा सांसद बनेंगी? अब ये पब्लिक आवाम बताएगी, मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, ज्योतिषी बता सकता है या मथुरा में किसी ज्योतिषी से पूछ लीजिए। लेकिन उम्मीद है आपको कि दोबारा? उम्मीद के साथ ही आया, उम्मीद पे दुनिया चलती है, उम्मीद क्या मुझे। हेमा जी लास्ट सवाल, कितना पिछला चुनाव और इस चुनाव में क्या फर्क है, धर्मेंद्र जी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? अब ये फर्क क्या पड़ेगा, आई मीन इट इज जस्ट हैज कम टू टेल द पीपल, दैट्स ऑल। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, मथुरा आज तक। धर्मेंद्र जी के आने से फर्क ये देखा गया, जो भीड़ थी वो काफी ज्यादा खुश थी इन दोनों को एक साथ मंच पर देखकर, और अभिनेता धर्मेंद्र ने भी हेमा मालिनी के लिए जमकर वोट मांगे। धर्मेंद्र ने कहा कि हेमा की जीत पूरी तरह से मथुरा में पक्की है। हिंदी फिल्मों के हीमैन धर्मेंद्र मथुरा पहुंचे हैं कैंपेन करने के लिए हेमा मालिनी जी के लिए। इस वक्त धर्म साहब हमारे साथ मौजूद हैं। धर्म जी, मुंबई से आप आए हैं वोट मांगने के लिए, किस ढंग से यहां कैंपेन करेंगे, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, मुझे 60 साल के करीब हो चले इंडस्ट्री में, मेरे अंदर का एक किसान जिंदा है जो मुझे गाइड करता रहता है हमेशा, वो उत्साह भरता है मेरे अंदर, और जब वो कहता है कि अब तेरा जाना ज़रूरी है धर्मेंद्र, चल उठ, तो धर्मेंद्र चल पड़ता है, वही मुझे गाइड करता आ रहा है, और यही मोहब्बत प्यार वो किसान पा रहा है, एक्टर भी पा रहा होगा लेकिन वो किसान बहुत ज़्यादा प्यार पा रहा है। आपने राजनीति से तौबा की थी, 2004 से 2009 तक सांसद रहे, आपने कहा था कि मेरे को ठीक नहीं लगती राजनीति, तो अब आप राजनीति में ही दोबारा राजनीतिक मंच पे आज उतरने वाले? ऐसा कुछ नहीं, ये मंच भारत के आवाम का मंच पे आया हूँ, वो मेरी आवाज़ समझते हैं, मेरी आवाज़ को सुनेंगे समझेंगे, इसलिए आया हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ सुनेगा नहीं समझेगा नहीं, मैं वहाँ जाता नहीं, मुझे यकीन है यहाँ मेरे अपने लोग हैं, मैं यहाँ जा रहा हूँ तो उनसे बात करने में अच्छा लगता है। हेमा जी एक बार फिर सांसद बनेंगे? बनना चाहिए, क्यों नहीं जी, क्या बन गई समझे, क्या चैलेंजेस हैं उनके सामने पिछली बार और इस बार? चैलेंज वैलेंज मैं नहीं जानता, वो आप मुझे मैथमेटिक्स का पर्चा क्यों दे दिया मेरे हाथ में, कौन सा सवाल हल करना है, मैं तो मैथ में बहुत वीक था, अच्छा ही होगा जो अच्छा, यू ना जब भावना अच्छी हो ना कहीं कुछ करने की, थोड़ा पीछे रहिए, अब भावना अच्छी हो कुछ करने की, नेक भावना हो तो वहाँ उसका साथ होता है और वो काम हो जाते हैं, यहाँ नेक भावना से आए, नेक भावना से करना चाहते हैं तो होगा। विपक्ष अलग अलग मुद्दे उठा रहा है, बीजेपी को लेकर, मोदी को लेकर के, आप क्या समझते हैं? मुद्दे ही मुद्दे हैं, इन मुद्दों में से मुद्दा निकल आएगा कोई। धन्यवाद। धर्मेंद्र को भरोसा है हेमा मालिनी एक बार फिर से मथुरा में सांसद बनेंगी, लेकिन हेमा के सामने चुनौती इस बार की ज्यादा है, वो इसलिए क्योंकि 5 सालों का हिसाब भी जनता के बीच उन्हें देना पड़ रहा है। आज रविवार है और रविवार की रैलियों की गहमागहमी असम के सिलचर में भी नजर आई है। आज यहां पर प्रियंका गांधी का रोड शो था,
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में राहुल की रैली रद्द होने के बाद कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत इसी रोड शो में झोंक दी थी। सिलचर की सड़कों का मिजाज बदला बदला था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के रोड शो को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश दिखा तो लोगों में प्रियंका को एक झलक देख लेने की होड़ मची थी। जुलूस में कांग्रेस के झंडों के साथ साथ राफेल के कटआउट भी लहरा रहे थे। इस दौरान प्रियंका भी लोगों से जुड़ने की पूरी कोशिश करती दिखी। रोड शो में एक जगह वो रोती हुई बच्ची को चुप कराती हुई दिखी तो कभी किसी का मोबाइल लेकर झुककर सेल्फी ली। रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास अपने संसदीय क्षेत्र के लिए 5 मिनट का भी वक्त नहीं है। जब मैं वाराणसी गई, जहां से प्रधानमंत्री अपना चुनाव लड़ते हैं, जब मैं वाराणसी गई तो मैंने भी सोचा था कि बहुत बड़े काम किए होंगे इन्होंने, बहुत बड़ा विकास होगा। जब मैं वहां पहुंची तो हवाई अड्डे से जाकर शहर तक 15 किलोमीटर की बहुत बढ़िया सड़क बनी थी और मुझे बताया गया कि दीदी सिर्फ यही किया है, इसके आगे कुछ नहीं है। मैंने किसी गांव में गए हैं, किसी परिवार से मिले हैं, जवाब आया कि 5 सालों में प्रधानमंत्री जी को 5 मिनट का समय नहीं मिला अपने ही क्षेत्र में जाने के लिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी की ना कोई नीति है और ना ही नियत, हाँ ब्रांडिंग जबरदस्त है। आपके सामने तरह तरह के प्रचार होते हैं और इनका प्रचार इतना अच्छा है, आप टीवी चलाते हैं तो आपको दिखते हैं, आप अखबार खोलते हैं आपको दिखते हैं, आप रेलगाड़ी में टिफिन खोलते हैं उस टिफिन पे भी उनका चेहरा है। आज तक सीधे आपको लिए चलते हैं मुरादाबाद में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली इस वक्त चल रही है। अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को दिया है, ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, ये सम्मान आपका है, हर हिंदुस्तानी का है। मोदी तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। साथियों, दुनिया में उसी की बात सुनी जाती है जिसमें दम होता है। जो सिर्फ रोता रहता है उसकी कोई नहीं सुनता। भारत को बनाने का संकल्प हम सब ने लिया है, वो भारत दमदार भी होगा और असरदार भी होगा। भाइयों बहनों, पहले क्या होता था, पाकिस्तानी से आतंकी आते थे, हमारे यहां धमाके करके जाते थे और कांग्रेस की सरकार दुनिया में रोती थी, हमें मारा। यही करते थे ना, रोना रोते थे ना। लेकिन आज ये नया भारत है, अब आतंक के सरपरस्तों ने जब उरी में गलती की तो देश के वीर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके
दिन में भी तारे दिखा दिए थे। उन्होंने दूसरी बड़ी गलती पुलवामा में की तो हमने उन्हें एयर स्ट्राइक करके घर में घुसकर मारा। और अब ये उधर वालों को भी समझ आ गया है कि अगर तीसरी गलती करने की गलती की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भाइयों बहनों, आज आपका चौकीदार आपके बीच खड़ा है और पाकिस्तान की पूरी सरकार दुनिया भर में रोती रहती है, रोती रहती है। आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और पाकिस्तान के अपनों ने भी उससे मुंह फेर लिया है। जरा मेरे साथियों बताओ, आप बताएंगे, मैं सवाल पूछूं बताओगे, जवाब दोगे, क्या भारत का दम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, भारत की ताकत दिख रही है कि नहीं दिख रही है, आप बताइए। आपको दुबकने वाली सरकार चाहिए या दमदार हिंदुस्तान चाहिए? बहनों और भाइयों, भारत के पास दशक भर से सैटेलाइट को मारने वाली तकनीक थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार से जब वैज्ञानिकों ने इजाजत मांगी, लेकिन वो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार लेके बैठे थे, वो सरकार कांप रही थी। साथियों, जब इस चौकीदार की सरकार से वैज्ञानिकों ने पूछा तो मैंने कहा, भाई अरे कल करे सो आज कर, और हमने सैटेलाइट को निशाना बनाने वाली मिसाइल की परीक्षण को तुरंत हरी झंडी दे दी। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, भारत ने अंतरिक्ष में भी स्ट्राइक कर दी और अंतरिक्ष में भारत का शानदार प्रदर्शन आज चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जल थल अरे नाव उससे भी आगे अंतरिक्ष में भी भारत पर हमला से पहले कोई 100 बार सोचेगा। भाइयों बहनों, दुनिया में जब भारत की ताकत बढ़ेगी तब हमारा व्यापार कारोबार भी तो बढ़ेगा। मुरादाबाद के पीतल उद्योग, रामपुर का जरी उद्योग, संभल के हस्तशिल्प, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार अगर हिंदुस्तान में ताकत होगी तब बढ़ने वाला है। भारत की छवि एक मजबूत देश की होगी तो दुनिया हमसे व्यापार भी करेगी, दोस्ती भी रखेगी। जब दम होगा तभी अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हमारे हक में लोग फैसले लेने के तैयार होंगे। साथियों, आप बताइए, क्या देश को ताकतवर बनाने की सोच सपा बसपा ने कभी भी आपके सामने रखी है क्या? सपा
बसपा ने हिंदुस्तान के लिए एक शब्द बोला है क्या? भारत को कहां ले जाना है वो बोला है क्या? क्या सपा बसपा ने देश को दमदार बनाने की कोई फॉर्मूला आपके सामने रखी है क्या? रखी है क्या? जिनको इसकी समझ ही नहीं है वो देश को दमदार बना सकते हैं क्या? जिनके एजेंडा में नहीं है वे कभी दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ सकते हैं क्या? क्या कांग्रेस और उसके दूसरे महामिलावटी साथियों ने कभी भी ऐसी सोच रखी है? भाइयों और बहनों, इन्होंने तो ऐसे लोगों को मैदान में उतारा है जिनको वंदे मातरम बोलने में भी परहेज है, जो वंदे मातरम का सम्मान नहीं कर सकता वो मां भारती का सम्मान क्या करेगा? इनकी सोच सिर्फ एक ही है, एक ही कार्यक्रम, वन पॉइंट एजेंडा, सुबह शाम दोपहर रात को यहां जाओ वहां जाओ जहां जाओ मोदी को गाली दो, जोर जोर से गाली दो, जितनी गालियां दे सकते हो देते रहो। जैसे कांग्रेस वाले मुझे कहते हैं ये मोदी तो शौचालय का सौदागर है, ये मोदी तो शौचालय का चौकीदार है। सपा के एक नेता ने कहा कि मोदी की बात शौचालय से शुरू होती है और शौचालय पर खत्म होती है। अरे बबुआ, शौचालय की चौकीदारी का महत्व क्या है ये आप नहीं समझ पाएंगे। आपके पास आज विदेशी टाइलों विदेशी टोटियों वाला टॉयलेट है, लेकिन उन करोड़ों बहन बेटियों से पूछो जिनको आपने अंधेरे का इंतजार करने के लिए मजबूर करके रखा था। आप कल्पना कर सकते हैं आजादी के 70 साल के बाद मेरे देश की माताएं मेरे देश की बेटियां अगर शौच जाना है तो सुबह सूरज निकलने से पहले जाती थी या तो रात को सूरज ढलने का इंतजार करती थी। जरा ये पीड़ा क्या होती है ये विदेशी टोटियों वालों को पता नहीं चलता है। ये चौकीदार करोड़ों बहनों की गरिमा का चौकीदार बन पाया तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है, आपके लिए शर्म की बात हो सकती है, चौकीदार के लिए सम्मान की बात है। हां, मुझे दुख इस बात का है जिन सफाई कर्मचारियों का समाजवादी पार्टी अपमान, उसे लेकर भी बेंजी चुप है। और मैंने प्रयागराज में कुंभ के मेले में हमारी सफाई करने वाले भाई बहनों के पैर धोए तो बहन जी के पेट में पीड़ा हुई। अरे खैर, मोदी को तो छोड़िए, मुझे तो इनकी गोलियां गालियां सुनने का 2 दशक का अनुभव है। अब मैं गाली प्रूफ हो गया हूं। साथियों, सपा बसपा कांग्रेस की महामिलावट की
यही मानसिकता है कि यूपी में बेटियों के साथ अत्याचार चरम पर था, पश्चिमी यूपी में गुंडों ने बेटियों का जीना मुश्किल कर रखा था, योगी जी की सरकार ने इस गुंडागर्दी पर करारी चोट की। साथियों, इन लोगों की इसी मानसिकता की वजह से कि हमारी मुस्लिम बहन बेटियां 3 तलाक जैसे अत्याचार को सहने के लिए मजबूर है, और मैं ऐसी पीड़ित बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि 23 मई को जब चुनाव का नतीजा आएगा और 23 मई को फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार बनने के बाद ये 3 तलाक पर बना कठोर कानून फिर से संसद में लाया जाएगा। भाई और बहनों, मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि मैं उनको गठबंधन के बजाय महामिलावट क्यों कहता हूं। बताइए, महामिलावट है कि नहीं है? ये महामिलावट है कि नहीं है? ये महामिलावट की महागिरावट पक्की है कि नहीं है? महामिलावट की महागिरावट पक्की है कि नहीं है? मैं पूछता हूं कि इन्हें महामिलावट क्यों न कहूं। अब देखिए, ये कैसे कैसे लोग साथ आए हैं। ये किसने कहा था, ये जरा पुरानी बातें याद करिए। ये किसने कहा था कि बहन जी ने यूपी की जनता को इतना लूटा है कि उनकी मूर्तियों के पर्स टटोले गए तो शायद उसमें से भी पैसा निकलेगा। ये इन्होंने एक दूसरे को कहा था कि नहीं कहा था? बबुआ ने बुआ के सम्मान में ये बातें कही थी कि नहीं कही थी? आज बुआ का विशाल हृदय देखिए, वो बबुआ को इतना सम्मान कर रही है, इतना सम्मान कर रही है। साथियों, बहन जी आज उस उम्मीदवार के लिए वोट मांगने में गर्व महसूस कर रही है जो बाबा साहब आम्बेडकर को भू माफिया कहता है और खुद यूनिवर्सिटी के नाम पर जमीन कब्जाता है। बहन जी, उन उजड़ी दलित बस्तियों में दलितों की ही जमीन जिसने कब्जा किया है, उनके लिए आप किस मुंह से वोट मांगने जाओगे? और ये भी मत भूलिए, ये वही साहब है जो 1.5 दशक तक बहन जी को सद्दाम हुसैन जैसा हश्र करने की धमकी दे रहे हैं। साथियों, महामिलावट के एक और उम्मीदवार है जिनको बाबा साहब की मूर्ति को माला पहनाना भी मंजूर नहीं है। लेकिन बहन जी इनके लिए वोट मांग रही है, वहीं हमारे बबुआ वो दिन भी भूल गए जब बहन जी ने नेताजी को पागल खाने भिजवाने की सलाह दिया करती थी।
साथियों, राजनीति क्या क्या न कराए, आज हाथी साइकिल पर सवार है और निशाने पर चौकीदार है। साथियों, असल में संकट अस्तित्व का था, इसलिए पहले की सारी गालियां पीछे छूट गई और नारा बन गया, मेरा भी माफ तुम्हारा भी माफ, वरना हो जाएंगे दोनों साथ। लेकिन भाइयों बहनों, क्या जनता इनको माफ करेगी? क्या इनकी झूठी बातों को स्वीकार करेगी? क्या भाइयों बहनों, इन्होंने क्या किया है? हाफ हाफ किया, हाफ हाफ, आधा तुम्हारा आधा मेरा, ऐसा किया है ना। ये हाफ हाफ वालों को उत्तर प्रदेश पूरा साफ कर देगा। और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को पहले से भी ज्यादा सीटें देगा, ये मैं बिल्कुल धरती की हवा देख रहा हूं। दोस्तों, मैं हिंदुस्तान के सभी राज्यों में जाके आया, ऐसी लहर चल रही है, इनका बचना मुश्किल है। अब मुझे बताइए, अगर दिल्ली में सरकार बनानी है तो 272 सीट चाहिए। कितनी चाहिए? जो 40 सीट लड़ रहे हैं, क्या वो 272 लाएंगे क्या? ये आपके आंख में धूल झोंक रहे हैं, नहीं झोंक रहे हैं? भाइयों और बहनों, ये सत्ता के लिए अपनी वोट बैंक को, निश्चित समुदाय को उसके ठेकेदार बनके आज एक दूसरे को बेच रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। वहीं आपका एक चौकीदार किसानों के खाते में, 12 करोड़ किसानों के खाते में 75,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। उनको वोट ट्रांसफर करवाना है, मुझे किसान के घर में रुपया ट्रांसफर करवाना है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।